हे गाइस, सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई 12th एंड 10th के बच्चों का जो रिजल्ट है वो डे बाय डे लेट होता जा रहा है, जिससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन की। जो सीबीएसई 12th के बच्चे हैं अभी तक रिजल्ट आया नहीं है तो वो एडमिशन कैसे लेंगे। तो इसके लिए यूजीसी की तरफ से एक अच्छी न्यूज आ रही है। जिन बच्चों ने सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म भरा है उनके लिए तो चलो ठीक है कि उन्हें यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी, उन्हें अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे एडमिशन के लिए। लेकिन जिन बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है, जो सीयूईटी के थ्रू कॉलेज नहीं लेना चाहते, उनका क्या होगा? तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि यूजीसी की तरफ से एक अच्छी न्यूज आ रही है। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर हम यहाँ नोटिस की बात करें, नोटिस पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आपका ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे यूजीसी लेटर रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन HEIS ऑन सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने एक लेटर जारी किया है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ आप देख भी सकते हैं, इन्होंने मेंशन भी किया है that all the higher educational institution may fix the last date of their undergraduate admission process after declaration of result of class 12th by CBSE. मतलब कहने का ये है कि इन्होंने ये बोला है कि जो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही हैं वो अपना एडमिशन विंडो तब तक क्लोज नहीं करेंगी जब तक सीबीएसई 12th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। इससे क्या होगा कि जो सीबीएसई 12th के स्टूडेंट हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। एडमिशन के लिए जो भी आपके मन में टेंशन थी उसे अब मत रखिए, बस रिजल्ट के बारे में सोचिए और ज़्यादा भी मत सोचिए, क्योंकि रिजल्ट ऐसा बोला जा रहा है कि इस महीने के एंड में आएगा। कुछ एकदम कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट आपका कब आ जाए, हो सकता है कल ही आ जाए, परसों आ जाए, मतलब एकदम कंफर्म डेट नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि जो एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है। जो भी यूनिवर्सिटी है सभी अपना एडमिशन विंडो तब तक क्लोज नहीं करेंगी जब तक सीबीएसई 12th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। तो ये आप ऑफिशियल नोटिस है, ये आप देख भी सकते हैं ऑफिशियल नोटिस। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे यूजीसी सर्च करना है, ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नोटिस आ जाएगा। नोटिस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सभी नोटिस आ जाएंगी। ये आपका 4th नंबर की नोटिस है, इस पे क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख भी सकते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।